हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से स्वागत है आपका। और आज हम लोग देखने वाले हैं VH, OH, HH इन तमाम का कट ऑफ, क्योंकि जनरली आप किसी भी चैनल पे कट ऑफ देखते हैं वो आपको जनरल के मिलेंगे, एससी के मिलेंगे, ओबीसी के मिलेंगे, एसटी के मिलेंगे, इन सभी के कट ऑफ मिलेंगे आपको। लेकिन OH, HH और VH इन तमाम लोगों के कट ऑफ नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने इन लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने इनके लिए भी कट ऑफ रिलीज कर दिया है 100% एक्यूरेसी के साथ। लास्ट में एक्स सर्विसमैन के लिए भी हम लोग कट ऑफ देख लेंगे, क्योंकि जब इन लोगों कट ऑफ ले ही रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन का भी हम लोग ले लेंगे। तो ये इन लोगों के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है ये कट ऑफ। तो आप लोग जितना हो सके, अगर आपके कोई भी दोस्त अगर OH, VH और अगर HH या एक्स सर्विसमैन हो, उन तक आप ये जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हो गया पोस्ट कोड, ये हो गया नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ये हो गया नेम ऑफ द पोस्ट, ये हो गया OH, ये हो गया HH और ये हो गया VH। क्योंकि बहुत ऐसे पोस्ट हैं जहां पर कोई वैकेंसी इस साल नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में एक दो हो जाए। और आप देखेंगे भी कि सीट इन लोगों के लिए ज्यादा नहीं होते हैं, एक्स सर्विस मैन वाले के लिए भी। लेकिन फिर भी मैं इन सबको कंसीडर करके जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं आपको 10 मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो पोस्ट कोड एफ है, जिसका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है कैप का, नेम ऑफ द पोस्ट है डबल एओ, और इस बार जो टेंटेटिव सीट है वो 9 है। लास्ट ईयर 15 थे, इस बार 9 है। आपको कट ऑफ जाने की चांसेस है 505। बात करें एचएच की तो वो है 9, इस बार सीट है 9 सीट है। लास्ट ईयर 15 थे जो कि घट चुके हैं, यहां भी 9 ही है, लास्ट ईयर 15 थे घट चुके हैं। इनके कट ऑफ जाने के चांसेस है 390। VH के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, यहां खाली है। बात करें पोस्ट कोड ए की, जिसका CSS है ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लास्ट ईयर 4 वैकेंसीज थी, इस साल 5 वैकेंसीज है, यानी कि एक इंक्रीज हुआ है। आपको कट ऑफ जाने के चांसेस है 452। लास्ट ईयर 4 थे, इस बार 5 है, यानी एक यहां भी इंक्रीज हुआ है। कट ऑफ जाने के चांसेस है 485 मार्क्स। VH की बात करें तो 4 थे लास्ट ईयर, इस बार है 5। आपको 460 इस बार जो है उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि किसी बच्चे को अगर इतने मार्क्स करीब है तो वो इस बार उनको CSS में जाने के पूरे पूरे चांसेस मिलेंगे। बात करें पोस्ट कोड ई की, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसके लास्ट ईयर भी 1 सीट थे, इस साल भी 1 सीट है, 500 कट ऑफ जाने की चांसेस है। लास्ट ईयर OH के लिए 2 सीट थे, इस बार 1 सीट है, और आपको कट ऑफ जाने की चांसेस है 362 HH वालों के लिए। बात करें 2 सीट थी लास्ट ईयर, इस बार 1 सीट है मात्र, 463 जाने की कट ऑफ है। ठीक है, बात करें जी की, यानी AFHQ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अगर हम बात करें OH वालों की, लास्ट ईयर भी 1 सीट थे, इस बार भी 1 सीट है, 510 जाने के चांसेस है इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बात करें लास्ट ईयर 3 थे, इस बार 2 है, आपको 365 जाने के चांसेस है इस बार। बात करें लास्ट ईयर 2 थे और इस साल जो है वो 2 है, आपको 465 मार्क्स कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। बात करें जे की, CVDT इनकम टैक्स ऑफिसर की, तो लास्ट ईयर 19 सीट थी, वहीं इस साल 10 सीट्स हैं, 447 मार्क्स आपको जाने के चांसेस हैं इस बार। लास्ट ईयर 2 सीट थी, इस बार 3 सीट हैं, आपको 447 मार्क्स जाने के चांसेस हैं। और देखिए VH के लिए कोई सीट नहीं है इस बार। ठीक है, बात करें के की, CBEC सेंट्रल एक्साइज की, तो बात करें लास्ट ईयर 9 सीट थी, इस बार बहुत ज्यादा सीट है, यानी कि 34 है, आपको 425 मार्क्स जाने की चांसेस है, यानी कि 425 पे आपको सेंट्रल एक्साइज मिल सकते हैं। 15 सीट्स हैं लास्ट ईयर, इस बार 22 थी, इस बार 22 है टेंटेटिव, आपको 360 मार्क्स जाने के चांसेस हैं HH वाले के लिए। VH वाले के लिए कोई सीट नहीं है। बात करें L की, CBEC प्रिवेंटिव ऑफिसर, आपको लास्ट ईयर जहां 2 सीट थे, इस बार आपको 4 सीट है, 434 मार्क्स जाने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर 2 की 2 सीट थे, इस बार 5 सीट्स हैं,
एचएच वालों के लिए और आपको कट ऑफ जाने के चांसेस है 375 मार्क्स। वीएच वाले के लिए कोई सीट नहीं है। बात करें वाई की, पोस्ट कोड वाई था, यूडीसी अपर डिविजन क्लर्क, पिछले साल दो सीट था, इस बार दो सीट है, पिछले साल एक सीट था, इस बार दो सीट है, सॉरी 416 कट ऑफ जाने के चांसेस है, वन सीट पिछले साल, इस बार भी वन ही सीट, 342 मार्क्स जाने के चांसेस है। पिछले साल कोई सीट नहीं था आपको बीएच वालों के लिए, लेकिन इस साल दो सीट है, आपको 390 मार्क्स जाने के चांसेस है। बात करें नॉन इंटरव्यू पोस्ट, पोस्ट कोड जेड है, सीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट की, टैक्स असिस्टेंट है, आपको पिछले साल 19 सीट थी, इस बार 24 सीट है, आपको 400 मार्क्स जाने के चांसेस है। बात करें 18 सीट पिछले साल की थी, इस साल 16 सीट्स है, पिछले साल 18 सीट था, इस बार 16 सीट है, तो आपको 285 मार्क्स जाने के चांसेस हैं। बात करें लास्ट ईयर 8 सीट थे, इस बार 14 सीट्स हैं, 415 मार्क्स जाने के चांसेस हैं इस बार। बात करें अल्फा की, सीबीईसी टैक्स असिस्टेंट, ओएच की जहां तक बात रही, आपको 10 सीट थे लास्ट ईयर, इस बार 16 सीट्स हैं और 395 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। बात करें आपको एचएच की, तो वो 7 सीट थी लास्ट ईयर, इस बार 16 सीट्स हैं, 270 मार्क्स जाने के चांसेस हैं, लास्ट ईयर 3 सीट्स थी, इस बार 4 सीट्स हैं, आपको 405 मार्क्स हैं आपको। ठीक है, तो ये रहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पोस्ट जो कि आप देख रहे हैं इन कैटेगरीज में, तो आप अपने अपने अनुसार मार्क्स मिला लें, और इस बात की आपको 100% गारंटी होती है कि इस कटऑफ से प्लस माइनस 5 ही हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे चांसेस हैं कि इस बार यही कटऑफ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एक्स सर्विसमैन का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एक्स सर्विसमैन के। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन का पोस्ट कोड ये है जिसमें सीबीडीटी इनकम टैक्स, इस बार 37 सीट्स हैं और आपको 450 मार्क्स जाने के चांसेस हैं कटऑफ। ठीक है, बात करें पोस्ट कोड एक्स की और अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, तो इस बार सीट है 15 और आपको 390 कट ऑफ जाने के चांसेस है इस बार एक्सपेक्टेड। वाई हो गया पोस्ट कोड, यूडीसी हो गया आपके पोस्ट, और 18 जो है आपको इस बार सीट है और 370 मार्क्स जो इस बार जाने के चांसेस है आपके कट ऑफ। बात करें जेड की, तो सीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट, 163 सीट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा है इस बार, और आपको 330 मार्क्स कट ऑफ जाने के चांसेस हैं इस बार। बात करें अल्फा की, सीबीईसी टैक्स असिस्टेंट, 89 जो है आपके सीट्स हैं और 330 मार्क्स जाने के चांसेस हैं कट ऑफ आपके। देखिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वाले के लिए स्पेशल है कि प्लस 5 और माइनस 5 ये लेकर आप चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैं 100% एश्योर नहीं हूं, बट इतना तो एश्योर हूं कि प्लस माइनस 5 तो हो सकते हैं इस मार्क्स में, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे कट ऑफ। ठीक है, तो ये रहे आपके फरमाइशी जो कट ऑफ थे आप लोगों ने स्पेशली इसके लिए, तो बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि इनके लिए भी ध्यान दिया जाए, तो ये हो गए कट ऑफ। अब आपका काम है कि आप अपने भाई लोगों को, जो भी आपके एच में हो, ओएच में हो, एक्स सर्विस मैन हो, वो लोग प्लीज एक दूसरे से शेयर कर दें। तो ये प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आप लोग उसको देखें और एनालिसिस करें। ठीक है, तो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।